स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन। डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड आर बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हेलोजन एटम के साथ तो हमें मिलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स की जो ओरिजिन है वो अल्केन से होती है, यानी जो अल्केन के एंड में ए एन ई है हम उसको रिप्लेस करते हैं वाई एल के साथ तो हमें मिलते हैं अल्काइल। जबकि जब उसके साथ हम कोई भी हैलाइड का आइटम अटैच कर लेते हैं तो ये बन जाता है अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अल्काइल हैलाइड को डियर स्टूडेंट्स हम हेलो अल्केन्स भी कह सकते हैं। अल्काइल हैलाइड्स का अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो वो है CnH2n+1x। इसका मतलब ये है कि कोई भी अल्काइल हो और उस अल्काइल के साथ एक हैलोजन का एटम अगर अटैच हुआ हो तो ये अल्काइल हैलाइड का फार्मूला कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्काइल हैलाइड की वो आर एक्स है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आर एच है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं दिस इज़ बेसिकली जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्केन। वाइल अगर आर के साथ एच की जगह ओ एच अटैच है तो ये अल्कोहल का जो है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन है डियर स्टूडेंट्स। और अगर आर के साथ जो है वो ओ एच भी नहीं है और एच भी नहीं है और सिंपली एक्स हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये हैलाइड को शो करता है, अल्काइल हैलाइड को शो करता है बेसिकली। तो इफ़ वी गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, सो अल्काइल हैलाइड की जो डेफिनेशन है वो है दीस आर द डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन विद द हैलोजन। हमें कैसे पता चले कि ये डेरिवेटिव हैं? कोई इसकी अगर मैं आपको इक्वेशन के थ्रू बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये CH4 है और डियर स्टूडेंट CH4 बेसिकली अल्केन है। अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है CH3+H। ये जो डियर स्टूडेंट्स H है इसको हम रिप्लेस करते हैं बेसिकली क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन से, आयोडीन से और फ्लोरीन से। कोई भी हैलोजन का एटम इस मिथाइल के साथ, इस अल्काइल के साथ जब हम अटैच करते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन के साथ। ये ज़रूरी नहीं कि आप क्लोरीन लगा लें, बेशक आप ब्रोमीन लगा सकते हैं, आप फ्लोरीन लगा सकते हैं कोई भी। तो मैंने CH3 यानी अल्काइल के साथ क्लोरीन लगाया है तो ये अब अल्काइल हैलाइड जो है ना मेरे पास बन गया। इसको आप देख सकते हैं कि ये मीथेन है बेसिकली CH4, और जब मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो वो मिथाइल जो है ना मिथाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी इसको समझो कि आप ये अल्केन है, जब अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो वो अल्काइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मज़ीद कुछ ज़्यादा समझें तो आप देख सकते हैं कि ये आर एच है, और डियर स्टूडेंट्स जो आर एच है ना बेसिकली दिस इज़ अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्केन। हम अल्केन को सिंपली आर एच जो है ना वो लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो आर है बेसिकली ये अल्काइल को शो करती है CH3 को, जबकि ये एक हाइड्रोजन है। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। आर अज्यूम करें कि ये CH3 है और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है, तो जब इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी तो CH3+H ये बन जाएगा CH4। तो डियर स्टूडेंट्स CH4 इज़ अ मीथेन एंड मीथेन इज बेसिकली अल्केन। तो बेसिकली हम इस आर एच से ये जो एच है ना डियर स्टूडेंट्स इसको हम रिप्लेस करते हैं। याद रखिएगा एच को हम रिमूव नहीं करते, एच को हम रिप्लेस करते हैं, एच की जगह हम कोई और एटम जो है ना वो अटैच करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह हम हैलोजन का एटम एक्स का, यहाँ पे जो मतलब है एक्स रिप्रेजेंट द हैलोजन फैमिली बेसिकली, वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कोई भी एटम आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आपके पास जो जनरल फार्मूला आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा आर एक्स। आर एक्स बेसिकली इज़ अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर अल्काइल हैलाइड और सिंपली हेलो अल्किन। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो अल्काइल हैलाइड के जो कंपाउंड है ये हम अल्केन से बनाते हैं, और अल्केन से कैसे बनाते हैं मैंने आपको यही बताया, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन विद द हैलोजन एटम। उसके साथ जब हम हैलोजन एटम जो है ना वो अटैच कर लेते हैं तो वो अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये जो अल्केन है बेसिकली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये अल्केन है और इस अल्केन की ये जो ए एन ई है, इस ए एन को, ए एन ई को हम रिप्लेस करते हैं डियर स्टूडेंट्स वाई एल से, है ना। तो पहले ये अल्केन था और अब ये बन गया है अल्काइल। तो यही फ़र्क है अल्केन और अल्काइल के अंदर, के अल्काइल के अंदर वाई एल आ जाती है और आप देख सकते हैं तो हमें हमें जो है ना वो अल्काइल मिल जाता है, और जब इसके साथ हम कोई भी हेलोजन का एटम अटैच करते हैं तो वो अल्काइल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अल्केन रिप्लेस्ड बाय, अल्केन की जो ए एन ई है उसको हम रिप्लेस करते हैं वाई एल से, सो बिकम अल्काइल। तो फिर हमें जो है ना वो अल्काइल मिल जाता है, और जब इस अल्काइल के साथ हम कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इस तरह का कोई भी एटम हम अटैच करते हैं तो हेलो अल्कीन बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड का जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन है, उनके कार्बन के साथ जो है वो जो हेलोजन अटैम हेलोजन अटैच है वो किस तरह से। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन देयर आर थ्री टाइप ऑफ द कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड डियर स्टूडेंट टर्शियरी कार्बन। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बन की, तो प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिस कार्बन के साथ जो है वो कोई भी हेलोजन का एटम अटैच हो। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है और मैं इसको प्राइमरी कार्बन का नाम देता हूँ, और इसको मैं प्राइमरी कार्बन क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन हम उसे कहते हैं कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन का एटम अटैच हो, वो कार्बन बाकी किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। लेकिन अगर वही कार्बन जिस कार्बन के साथ हेलोजन का एटम अटैच है, अगर वो किसी कार्बन के साथ अटैच है भी, तो ओनली वन, एक कार्बन के साथ अटैच हो सकती है, बाकियों के साथ नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताऊं कि CH3Cl है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपको इसको खोल कर लिखूँ कि ये C है, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, और इसके साथ मैंने ये क्लोरीन लगा लिया, तो अब ये देख सकते हैं कि ये क्लोरीन इस हेलोजन एटम के साथ जो है, इस कार्बन एटम के साथ बेसिकली अटैच है। और डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये बाकी किसी अदर कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो यही खसूसियत है प्राइमरी कार्बन की, कि प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ हेलोजन एटम जो है वो अटैच होता है, तो वो बाकी कार्बन के साथ अटैच नहीं होता। लेकिन यहाँ पे केस भी है, अगर कार्बन अटैच है भी तो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये H को मैं रिप्लेस करके यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3, तो ये भी प्राइमरी कार्बन ही कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ CH3 लगा लूँ या CH2 लगा लूँ, तो ये सेकेंडरी कार्बन नहीं बन सकता, ये भी प्राइमरी कार्बन ही होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको जो है ना वो लाजिम है समझना। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने लिखा है कि प्राइमरी कार्बन इज अ कार्बन विथ विच हेलोजन एटम इज अटैच, जिसके साथ जो है वो हेलोजन एटम जो है वो अटैच है, एंड दिस कार्बन इज नॉट अटैच विथ अदर कार्बन, ये जो कार्बन है वो बाकी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। इफ इट इज अटैच देन विद ओनली वन कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की, तो सेकेंडरी कार्बन जो होता है ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच होता है, और यही कार्बन बाकी टू कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। ये जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना बार बार, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा समझने की कोशिश करें। डायरेक्टली का मतलब ये है कि ये जो सेंट्रल कार्बन है, अगर सेंट्रल कार्बन के साथ कोई और कार्बन डायरेक्ट अटैच है तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। अगर वो इनडायरेक्ट अटैच है, इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल कार्बन है और सेंट्रल कार्बन से ये ब्रोमीन अटैच है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये सेकेंडरी कार्बन है। मैं क्यों कह रहा हूँ सेकेंडरी कार्बन है, एक तो ये ऐसा कार्बन है जिसके साथ हेलोजन जो एटम है वो अटैच हो गया, तो ये तो बात होगी क्लियर। लेकिन ये जो सेंट्रल कार्बन है ये बाकी टू कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, ये CH3, इसके साथ भी ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है और इस कार्बन के साथ भी ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये कार्बन बीच वाली सेंट्रल वाली जिसके साथ हेलोजन एटम जो है वो अटैच है, ये कार्बन बाकी टू कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये कहलाएगी सेकेंडरी कार्बन। यहां पर अगर ऐसा होता कि मैं यू समझे कि इसके साथ CH3 लिख लूं तो तब भी ये सेकेंडरी कार्बन ही होगा, मैं अगर इसके साथ भी CH3 लिख लूं तब भी ये सेकेंडरी कार्बन ही होगा, ये टर्शियरी कार्बन नहीं होगा, क्योंकि ये जो CH3 मैं लिख रहा हूं ये सेंट्रल कार्बन के मैं इस तरह से नहीं लिख रहा हूं ना, तो ये इनडायरेक्टली अटैचमेंट है, तो इनडायरेक्टली जो अटैचमेंट है वो हम काउंट नहीं करेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन इज कार्बन एटम विथ विच हेलोजन एटम इज अटैच. ओके ये हो गया, मैंने आपको बताया. एंड दिस कार्बन एटम इज अटैच डायरेक्टली विद अदर टू कार्बन. तो ये सेंट्रल कार्बन जो है वो बाकी टू एलिमेंट बाकी टू कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, तो हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं टर्शियरी कार्बन के ऊपर. तो टर्शियरी कार्बन जो होता है बेसिकली वही सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको लेना है कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच है वो कार्बन बाकी तीन कार्बन के साथ लेकिन डायरेक्टली बॉन्डेड हो. डायरेक्टली अगर वो तीन कार्बन के साथ अटैच है तो हम कहेंगे ये टर्शियरी कार्बन है. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये सेंट्रल कार्बन है डियर स्टूडेंट्स. R मतलब CH3, R मतलब CH3, R मतलब CH3. इसको मैं खोल के लिख लेता हूं. मैं इसको आपको यहाँ पे अगर ये इस एरिया में लिख क्लिक कर बताता हूँ मैं आपको. आप देख सकते हैं कि ये एक कार्बन है. मैं लिख देता हूँ CH3 एंड CL3. ओके हो गया. उसके बाद इसके साथ मैं लगा देता हूँ क्लोरीन. अब ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके साथ ये हेलोजन एटम अटैच है. ओके ये तो हो गया. अब ये जो सेंट्रल कार्बन है डियर स्टूडेंट्स, ये इन तीन कार्बन के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच है. यहाँ पे देखो ए कार्बन नंबर टू नंबर थ्री, तीन कार्बन सेंट्रल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, तो हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन. लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और मैं बात आपको बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ CH3 और यहाँ पे भी लगाऊँ CH3 और यहाँ पे भी लगाऊँ CH3 तो आप क्या समझेंगे कि ये टर्शियरी कार्बन होगा. एग्जैक्टली ये टर्शियरी कार्बन ही होगा क्योंकि बाकी तो आप लाखों जो है वो कंपाउंड लगा लें लेकिन डायरेक्टली तो तीन कार्बन है ना, तो हम जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है उनको कंसीडर करेंगे. तो अगर ये सारे लिखे हुए हैं तो इनका कोई इफेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्टली अटैचमेंट है इनकी. और ये आपका एग्जाम्पल हो गया टर्शियरी कार्बन का. तो ये छोटा सा लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड के ऊपर. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा नॉर्मन क्लेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड. उसको हम मजीद डीप से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.